दिल्ली वाले छोले भटूरे आपको खाने हैं तो चलिए आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं 300 ग्राम छोलों को रात भर भिगो दी थी, तो देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में डालेंगे, साथ ही में हम डालेंगे सूखे हुए आंवला, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक चक्री फूल, थोड़ा सा नमक और 2 कप चाय पत्ती का पानी, जिससे छोलों का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, ब्लैकिश कलर जो एकदम दिल्ली में बनते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 8 से 9 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए छोले बहुत अच्छे से गल गए हैं, चर है वो बहुत अच्छा हो गया है। अब हम सभी छोलों को एक परात में निकाल लेंगे और जो खड़े मसाले हमने डाले थे उनको हम निकाल के बाहर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक के कटे हुए लच्छे, कुछ साबुत हरी मिर्च और ये है होममेड छोले मसाला जो मैंने घर पे बनाया था और इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। इससे छोलों का टेस्ट जो है बहुत ही स्वादिष्ट आता है। ऊपर से डालेंगे गर्मा गर्म देसी घी, घी में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा घी गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े हुए मसाले, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक। याद रहे हमने नमक पहले भी डाला था। तो जब मसाला अच्छे से भून जाए और चारों तरफ से तेल छोड़ दें तब हम कढ़ाई में डालेंगे छोले, जिनको हमने पहले से मसाले में मैरिनेट करके रखा था। 5 से 7 मिनट छोलों को अच्छे से भूनने के बाद उसमें छोलों का बचा हुआ पानी डाल देंगे। याद रखिए आपको वो पानी फेंकना नहीं है। अब कढ़ाई का ढक्कन लगा के छोलों को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। तो आप देख सकेंगे कि कितने अच्छे छोले बन के तैयार हो गए हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।